चलो हम आज वीगन को ट्राई करते हैं। ये M4A1 है, देख लीजिए आप। इसका डैमेज अभी अपडेट होने के बाद 29 का दे रहा है। उनतीस का डैमेज है इस गन का। और दूसरे नंबर पर है M60Y। इसका डैमेज तो खास ही होगा, 31 का डैमेज दे रहा है। ये भी 170 का हेड है। दूसरे गन का देखते हैं। ये VSS है। VSS का डैमेज तो लगभग 29 का है। 29 का डैमेज दे रहा है ये। और दूसरा गन M40Y है। इसका डैमेज भी बहुत अच्छा है। आप इनेमी को अच्छे से मार सकते हैं। इसका डैमेज बॉडी सब 60 का देता है। 330 का हेड है इसका। अगला गन देखते हैं। अगला गन है प्लाज्मा गन। प्लाज्मा गन आसानी से मिल जाता है कि क्लासिक खेलो या रैंक में कहीं भी यहीं मिल जाता है आसानी से। 32 का डैमेज दिया है। 32 का डैमेज देता है। और हेड इसका 176 का है। और उसके बाद एके गन को तो आप जानते हो कितना अच्छा है। 40 का डैमेज देता है। मेरे पास स्किन है तो थोड़ा डबल है इसका, ये डबल है मेरे पास स्किन है तो। स्किन नहीं होगा तो यही 28-29-30 का देगा शायद। और उसके बाद M40 वही गन है, अभी देखा है M40Y वही गन है। स्कार देख लेते हैं। स्कार का तो जवाब ही नहीं है। इसका डैमेज दे रहा है, स्किन है इसलिए थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, नहीं तो थोड़ा कम। और हेड 165 का देता है हेड। और VSS को आपने देखे ही, ग्रोजर देख लेते हैं। ग्रोजर देखे 37 का डैमेज दे रहा है। हेड 203 का है। और SKS देख लो कितना डैमेज दे रहा है। 95 का डैमेज दे रहा है। हेड 374 का। अगला गन है M249 गन। इसका भी डैमेज देख लो, इसका भी डैमेज अच्छा है। 35 का डैमेज देता ही है। और हेड 181 का है। अगला गन है थॉमस गन देख लो। इसका डैमेज लगभग 28 का है और हेड 154 का है। स्किन है थोड़ा ज़्यादा है मेरे। और ड्रैगन भी बहुत ही अच्छा गन है। इसका एक दो का गोली काफ़ी होता है मारने के लिए। इसका डैमेज 120 का है बॉडी शॉट। और हेड 140 का है। और अगला गन XM8A। इसका बॉडी शॉट लगभग 33 का देता है और हेड
181 का है इसका हेड। अगला गन देख लेते हैं। अगला गन है M60। M60 भी अच्छा चलता है, 31 का डैमेज देता है, 170 का हेड है इसका। और कौन सा गन बच गया? ये AN-94 गन है, ये भी बहुत अच्छा गन है। इसका भी डैमेज अच्छा है, स्किन है थोड़ा ज़्यादा देता है, मेरे 40 का डैमेज दे रहा है देखो, और 220 का हेड दे रहा है। मेरा स्किन है तो थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद ये तो वही है, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है, ये नहीं मिलता क्लासिक में। प्लाज्मा भी दिखाया मैंने, और हेड गन ये नया है, ये अभी भी स्किन आया है इसका। मेरे पास तो है इसका स्किन, अभी 24 दिन पर मिला है तो दिखता है। देखते हैं इसका डैमेज कितना है। 31 का डैमेज दे रहा है और 170 का हेड है इसका। और उसके बाद ये भी नया गाना है, इसका नाम पार्फल नाम है इसका। इसका डैमेज देख लेते हैं कितना है। 48 का डैमेज दे रहा है और 264 का हेड है इसका। अगला गन देख लेते हैं, ये नया गन आया है, इसका नाम थोड़ा अजीब सा है, वुड पेकर नाम है शायद, अजीब सा नाम है इस गन का, आप पढ़ लेना जो भी है। ये भी डैमेज अच्छा देता है, देखते हैं 72 का डैमेज देता है ये 396 का डैमेज देता है हेड। देखा, आप इनेमी को अच्छे से मार सकते हैं इससे। और कौन सा गन बच गया? AWM-98 को तो आप जानते ही, देख लो AK-98 का भी बॉडी शॉट 176 है और 462 का हेड है इसका AK-98 का। और कौन सा AWM का फिट का तो आप जानते हो कितना कितना डैमेज देता है, 300 का डैमेज देता है और 1100 का। देखा, बहुत ही इसका एक ही गोली काफ़ी होता है मारने के लिए ज़्यादातर, लेकिन ये रिलोड लेता है तो थोड़ा दिक्कत जाता है। और M82B इसको तो जानते हैं, ग्लोअर के आर पार मारता है ये। इसका भी डैमेज देख लेते हैं कितना देता है, 165 का डैमेज देता है बॉडी शॉट ये। ये हेड 907 का है इसका, ग्लोअर के आर पार मार सकता है ये। तो कौन सा गन बच गया? USP गन को तो आप जानते हो कितना कम डैमेज देता है, 18 का दे रहा है और हेड 99 का है। और अगला गन डेसर्ट ईगल 90 का डैमेज देता है, ज़्यादातर 2-3-4 गोली में काट हो जाता है। 495 का हेड है इसका और बॉडी 90 का। अगला गन देख लेते हैं, अगला गन G18 नाम है इस गन का। ये थोड़ा सा छोटा MP40 बोल सकते हैं इसका, 19 का डैमेज देता है, हेड 110 का देता ही है।
और अगला गन M500 इसका नाम है, ये भी अच्छा है, जूम करके मार सकते हो। इसका बॉडी शॉट 45 का है और हेड 245 का। अगला गन देख लेते हैं, अगला गन P90। P90 अभी अपडेट हुआ है तो थोड़ा कम ही लगेगा, 21 का डैमेज दे रहा है और 115 का हेड है इसका। अगला गन कौन सा है, अभी नया है ये वेक्टर गन है। इसका खासियत है कि आप इसे दोनों हाथ में पकड़ सकते हो, ये देखो बहुत अच्छा गन है। इसका डैमेज तो वही है, 82 का हेड है और 22 का है वेक्टर गन। ये नया गन आया है अभी अभी। उसके बाद MP40 का तो आप जानते हो कितना हेड लगाता है ये। इसका बॉडी शॉट 26 का है और हेड 143 का, और ये सभी शॉर्ट रेंज के गन हैं। अभी स्क्रीन पर देख रहे हो आप, ये अगला गन है UMP। UMP भी अच्छा गन है, क्लोज रेंज 24 का डैमेज और हेड 134 का देता है। इसको भी जूम करके मार सकते हो, ये देखो 132 का हेड है इसका। अगला गन कौन सा है, MP40 तो आप जानते हो, चलो दिखाई देता हूँ तब इसे डैमेज को। MP40 का डैमेज 23 का डैमेज देता है ये और हेड 126 का। ये बहुत ज़्यादा गोली छोड़ता है, एनिमी को अच्छा डैमेज देता सकते हैं। और अगला है थॉमसन है, ये सभी क्लोज रेंज के लिए है। जब आप नज़दीक में किसी एनिमी को मारने जाते हो तो ये सब गन काम आते हैं। 22 का डैमेज देता है ये और हेड 121 का हेड देता है। और ये क्लोज रेंज के लिए शॉर्ट गन इसे कहते हैं, इसे शॉर्ट गन कहते हैं, इसे तो आप जानते ही होंगे। चलो इसका डैमेज भी देख लेते हैं, 17 का डैमेज देता है इसका। दो ही गोली काफ़ी होता है एनिमी को ख़त्म करने के लिए। इसका हेड भी 93 का लगा है, इसका 2 गोली काफ़ी होता है। और इसको तो जानते हो, M10, इस गन को जानते हो, M10 नाम है M10। इसका ये 6 गोली का होता है, इसका भी अच्छा है तो इसका डैमेज दे रहा है देखो। इसका ये 2-3 गोली काफ़ी होता है एनिमी को मारने के लिए, यानी नॉक करने के लिए। अगला गन S5C2 नाम है इस गन का, इसका वीडियो में चलो देख लेते हैं कितना है। ओ हेड बहुत ही 99 का 3 लगा और बॉडी 14 का है। ये भी अभी स्किन है तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, स्किन नहीं रहता तो थोड़ा कम है। और इसका है M80 73 नाम है इसका। चल ये थोड़ा कम डैमेज देता है, लेकिन आपके पास गन नहीं, ये गन होगा तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। 25 का डैमेज और हेड 137 का मानना पड़ेगा। चलो अगला गन देख लेते हैं, इसमें से तो देख लिया, इसको जानते हो, पेन पराग बैट और कटाना।
और ये गन है, ट्रीटमेंट गन है ये। जब आपका आपका पार्टनर आने की HP आधा होगा तो इससे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं और दूसरे इनिमी को भी मार सकते हैं। इससे 24 का डैमेज और हेड 132 का है। और कौन सा वेपन है आपको दिखाने के लिए? सभी तो दिखा दिया, सभी को दिखा दिया। हाँ, एक गन था, अभी अभी नया आया है, जहाँ ये आग वाला, ये आग छोड़ता है ज़्यादातर। ये क्लासिक में नहीं देगा, ये ट्रेनिंग देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा छोड़ रहा है। ये क्लासिक में नहीं देखेगा आपका। आपने सभी गन को देख लिया। चलो अगले वीडियो में हम फायर करके दिखाएंगे सभी गन को। अभी के लिए गुड बाय। वीडियो को अब बहुत लंबा भी हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना।